चलो एक को इसने मार दिया है और दूसरा वाला मुझे मार रहा है। इसे इस लोग का पावर ही बहुत जबरदस्त है। एक मुझे पालफ्रूट मिल गया, एक आइस ऑर्गन मिल गया और ये पूरा इसको भूज दिया। नाइस, ये कुछ अलग टाइप का है। नहीं इसको मारूंगा नहीं, एक काम करता हूँ इसको टेमिंग करता हूँ। 68% हो गया है, इसको मैं देखता हूँ घर ले जाके कि क्या चीज है। वैसे वो दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ गया है यहाँ पे। हेलो गाइस, कैसे सब लोग, मेरा नाम है सौरभ, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस कैफे दुनिया में। तो गाइस हम वापस आ गए पार्ट वन के लिए कॉर्निंग जबरदस्त एपिसोड के साथ। यहाँ पे देखने का कितने सारे हो गए हैं वुल्स। मैंने तो अभी वहाँ पे ये वाला जो छोटा वाला शिप था, जो बाल उसको मैंने हटा दिया, फिर भी देखिए मैं पाका का और ये सब का इसे थोड़ा हेल्प में कर देता हूँ, नहीं तो इतना सारा ये लोग वुल लेके कहाँ से। और मेरे इन्वेंटरी में भी इतना सारा आ चुका है कि मतलब जल्दी पिक ही नहीं हो रहा है। ये मेलपाका का भी और ये जो छोटा वाला है इसका भी, दोनों का बहुत तेजी से वुल गिर रहा है। एक मुर्गी भी देखिए बहुत तेजी से एक निकालते जा रही है। इसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया था थोड़ा लोकेशन इधर उधर, ताकि यहाँ पे काम करने में दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे मैं फटाफट बना लेता हूँ वुल को, जितना हो सकता है बन जाए। मैक्स कर देता हूँ स्टार प्रोडक्शन और यहाँ पे ये क्लोथ बनता रहेगा, कोई बंदा आके इसको बनाता रहेगा। वहाँ पे ये पेंगुलेट और ये दोनों काम चल ही रहा है। यहाँ पे कितने सारे बचे हुए हैं, 107 बेरीज हो गए और अंडे यहाँ पे है, तो इस अंडे को मैं लगा देता हूँ पकने के लिए। बहुत सारा खाना बन जाएगा मेरे लिए इस वाले पे। यहाँ पे देखता हूँ, ओके मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बन के रेडी है, मैं 21 बन ही रहे अभी। तो यहाँ पे एक को बनने दो, अभी बाद में इसको देखूंगा, जब ये बन जाएगा तो मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा। अभी मैं बाहर आता हूँ। लास्ट वाले एपिसोड में मैंने नाइट में फाइट किया था, तो उसमें पता नहीं कैसा बहुत जबरदस्त था, उसमें एक पाल आ गया था, उसने मुझे मार दिया था। लेकिन मैंने उसको बहुत ट्राई किया उसको टेम करने का, पर टेम ही नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। यहाँ पे ये बंदा उल बना ही रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लास्ट वाले एपिसोड में नाइट में कुछ मैंने पाल्स को टेम किया था, जैसे एक ये रहा डिप्रेसो। डिप्रेसो का क्या काम है वो तो मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे इस मुर्गी को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए और इसका मैं पीछा करता हूँ ये क्या काम करने जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सा देखने में लग रहा है, पर ये आई थिंक माइनिंग काम करेगा। ओके कैटिवा के साथ लग रहा है, स्टोन में तोड़ने काम आएगा। ठीक है इसको तोड़ने दो, अभी वैसे भी एक का काम है नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से उछड़ के आएगा। ओके तो ये मैं देख लेता हूँ कि कोई बेस का ग्रेड आया है क्या। बिल्ड प्रिमिटिव फर्नेस है और बिल्ड हॉट स्प्रिंग। यस गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड मैंने हॉट स्प्रिंग को और प्रिमिटिव फर्नेस को बनाना छोड़ दिया था। ये है हॉट स्प्रिंग रहा और मुझे मेलपाका का सैडल मैंने अनलॉक कर लिया था, इसको मुझे बनाना पड़ेगा। एक ये रहा प्रिमिटिव फर्नेस, इसके लिए लेवल 10 चाहिए, तो करता रहूंगा कुछ काम तो मेरा हो जाएगा। अब मैं बनाने जा रहा हूँ हॉट स्प्रिंग और मेलपाका का सैडल। मेलपाका सैडल के लिए वुल तो मुझे मिल जाएगा और पैलेडियम फ्रैगमेंट चाहिए, जो कि नीचे से भी ले लूंगा जाके। इसके लिए मुझे पैलेडियम फ्रैगमेंट चाहिए और पाल फ्रूट चाहिए। पाल फ्रूट मेरे पास 2 है पर 8 मुझे चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। और पाल फ्रूट मुझे लगता है कि ये वाला जो था बंदा ना, इसको मैं मार रहा था तभी मुझे मिला था, तो लास्ट लेफ्ट में बताया था आपको। अब इसको मुझे खोजना पड़ेगा, कहीं लोकेशन पे होंगे तो 8 लोग को मुझे मारना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैं कुछ अपने लिए खास पोकेमॉन को मिल लेता हूँ। ये चीज की भी कोई काम नहीं है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और हिरन, ठीक है हिरन मिराने दीजिए। आज मैं फ्लेम थ्रोवर को यूज करूंगा एज ए इसको, और ये भी इसका कोई काम नहीं है, इसको भी ले चलो। और हिरन को रख देता हूँ वापस, में काम करते रहेंगे अपना। मैं अल्पाका को ले जा रहा हूँ, इसको थोड़ा फाइटिंग कराऊंगा, इसका लेवल अप करना है। और इसको फॉक्स पॉस को मुझे इसका सैडल बनाया था, तो ये मेरे हाथ में आ जाएगा। मेरे पास सामान जरूरी क्या क्या है, जैसे वूल को मैं जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं हटा देता हूँ फटाफट। जैसे ये वूल हटा देता हूँ और पैडियम फ्रेगमेंट हटा दिया। एक तो है, एक कोई बनाना पड़ेगा। एक वेनम ग्लैंड टाइप का कुछ मिला है मुझे, इसको मैं फिलहाल के लिए मैं ये रख देता हूँ। और ये रहा वो पाल फ्लूड, मेरे पास ये ऑलरेडी है 2। एक आइस ऑर्गन तो मुझे मिल गया है पर मुझे फ्लूड चाहिए उसका। इस वाले चेस्ट में क्या है, इस वाले चेस्ट में भी बहुत सारा वूल है। ये रहा एक मैंने लास्ट वाले एपिसोड में मुझे डार्क स्किल फ्रूट शैडो ब्रश्ड और एक ये ड्रैगन कैनन और एक ये सब मुझे तीनों चीज मिला था। इसको मैं ट्राई करता हूँ। ये कह रहा था कि अपने पाल को खिलाएंगे तो ये पाल आपका बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। मैं अभी ये दोनों को, मेरे पास 2 ही पावरफुल है, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को मुझे खिलाना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले कौन सा मुझे खिलाना चाहिए। एक ये ड्रैगन कैनन है और एक ये है आइस ब्रीथिंग है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आग ही निकालेगा, और एक शैडो ब्रश्ड है। तो इसी 2 को मैं यूज करता हूँ। ड्रैगन कैनन पावर 30 का ही दिखा रहा है, लगता है ज्यादा पावरफुल नहीं है। मैं शैडो ब्रश्ड काम करता हूँ कि अपने वो जो हिरन है इसको मैं खिला देता हूँ। ठीक है तो ये कुछ शैडो ब्रश टाइप का ये सीख लेगा। ई वाला जो है मैं इसको मेलपाका खिला देता हूँ, तो ये इसको सीख लेगा। अब मैं इन लोग का बारी बारी देखता हूँ कि क्या काम करने वाला है। सबसे पहले पैलेडियम फ्रैगमेंट की कमी हो गई है बहुत ज्यादा, तो मैं इसको लगा देता हूँ ये बनने के लिए। लेकिन ये बहुत टाइम अभी लगा रहा है इसको बनाने में, जल्दी बनाओ भाई मुझे पैलेडियम फ्रैगमेंट बनाना है, रात भी होने को आ गई है। मैं काम करता हूँ इसकी, जो मुझे बहुत सारे स्टोन मिले हैं यहाँ से, स्टोन को मैं क्रशर में डाल देता हूँ। 58 मिले हैं जो कि अमाउंट अच्छा खासा है, और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, तो यहाँ से मुझे बहुत सारा पैलेडियम फ्रैगमेंट मिल जाएगा। ये एक काम अच्छा
रखा हुआ मेरे लिए, वुड को रख देता हूँ, वुड मेरे लिए बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे मैंने वुड को डाल दिया, वुड मेरे पास 59 हो गए और बाकी सामान को मैं हटा दिया, ये भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तीन तरह के मुझे एक इलेक्ट्रिक एग और एक लार्ज डैम्प एग और एक ये कुछ वर्दांत एग मिला था, इसको मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी रात हो गई गाइस, मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ब्लू वाला जो है पाल उसको मुझे मारना पड़ेगा जो दिन में ही मुझे दिखेगा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, एक प्यारी सुबह हुई है हमारे इस वर्ल्ड में। फटाक से मैं चलता हूँ कुछ खाना पीना खा के, यहाँ से मैं निकलता हूँ तुरंत। मेरे पास एक ऑमलेट ही पड़ा हुआ है, ऑमलेट को मैं खा लेता हूँ, अब बाकी को भी मैं खिला लेता हूँ। ये सभी भूखे हैं, मैं अल्पाका ही बहुत ज्यादा भूखा था और ये मेरा हिरन ही बहुत भूखा था। मेरे पास 24 है और बाकी के जो एग है मैं लगा देता हूँ पकने के लिए। 12 ऑमलेट मैंने यहाँ से उठा लिया और ऑलरेडी यहाँ से पैलेडियम फ्रेगमेंट कोई नहीं बना रहा, क्या लग रहा है मुझे ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है ये? रिक्वायर वाटरिंग, इसे पानी चाहिए क्या? पानी कैसे देंगे इसको हम? इसको मुझे बताइएगा इस ये जो मेरा क्रशर है ये मेरा कैसे काम करेगा, पानी इसमें कैसे मिलेगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है। इसको मेरा कोई मतलब ही नहीं हुआ स्टोरी इसमें डालेगा। चलो कोई ना, इसमें चलता रहेगा अपना। मैं काम करता हूँ नीचे से ही, बहुत सारा पैडियम फ्रेगमेंट को तोड़ लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे आ जाते हैं ऑटोमेटिक, दो दिखी ये भी दिख रहे हैं, मतलब टोटल 4 यहाँ पे आराम से जाते हैं, 20 मेरे पास हो जाएंगे। तो फटाक से मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने बहुत सारा पैडियम फ्रेगमेंट को यहाँ से तोड़ लिया है और ये देखिए। ओके, तो ये जो पैगलेट है ये यहाँ पे इस पे पानी डाल रहा है, मतलब ये पानी डाल के क्या होगा इसे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि पानी डालेगा तो यहाँ पे मुझे पैलेडियम फ्रेगमेंट मिल जाएगा। चलो ये काम भी अच्छा हो गया, मतलब मुझे पानी वाला एक और अच्छा सा चाहिए। ये किसी काम का है कि नहीं? ये रेस्टिंग कर रहा है, बहुत जल्दी थक गया ये। चलो इसका फटाक से मैं क्लोथ काम कम्प्लीट कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये अपना बना के ये टेबल मेरा खाली हो जाए ऑलरेडी। ओके गाइस, तो यहाँ से मेरा क्लोथ बन के रेडी हो गया। मैं क्लोथ को फटाक से मैं अपने बॉक्स में रख देने के लिए, क्योंकि 89 बन गया, बहुत ज्यादा है ये। अब मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, इसके लिए मुझे चाहिए स्टोन। स्टोन तो मैंने सब मैंने उसमें डाल दिया, मैं शायद इसमें मेरे बॉक्स में होना चाहिए स्टोन, है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 ही स्टोन है, मैंने सब के सब स्टोन मैंने उसमें डाल दिया था। चलो कोई ना, ये देख लेता हूँ यहाँ पे कितने स्टोन लोग तोड़े हैं, तोड़ तो रहे हैं कब से। 15 स्टोन यहाँ मुझे मिल गया, ठीक है देखता हूँ 15 स्टोन में कितने बन रहे हैं। ये रहा और इसको मैक्स कर देता हूँ, 5 ही बना। चलो अब फिलहाल के लिए 5 ही बना रहता हूँ मैं। ओके गाइस, तो ये मेरा 5 बन के रेडी हो गया। अब मुझे बनाना है मेलपा का सैडल, जो कि ये इस पे बनेगा, इस पे अनलॉक हो गया। यस गाइस, इसको मैं फटाक से बना लेता हूँ। इसको बनने में बहुत टाइम लगने वाला है मुझे पता है, क्योंकि सैडल ये है, तो कोई बंदा आएगा मेरे साथ कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद मेरे पास मेलपा का सैडल हो जाएगा, तो मैं मेलपाका से भी ट्रेवलिंग कर सकूंगा, मतलब स्केपिंग करने में मेरे लिए आराम रहेगा। उसके बाद हिरन का आएगा, तो हिरन को भी बनाऊंगा, हिरन के लिए बनाने बहुत टाइम है अभी, जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मेरे पास बन के रेडी हो गया मेलपाका का सैडल, इसको थ्रो करता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन आया मुझे यहाँ पे राइड करने का, जो नीचे सेंटर में दिखा रहा है। अब मैं इसको बुला रहा हूँ अपने पास और ये यहाँ पे मैं बैठा लेता हूँ इस पे। ओके गाइस, तो ये मेरे पास आ गया मेलपाका, इसकी ट्रेवलिंग स्पीड बहुत जबरदस्त है और ये बहुत ही क्यूट भी लग रहा है। इसका मैं फायर सब चेक कर लेता हूँ। ये रहा एक अटैक जो की दौड़ के जाएगा। ओके, तो ये मतलब दौड़ के जाएगा, किस पे हमला करेगा तो उसको डैमेज पहुंचेगा अच्छा खासा। दूसरा है एक एयर कैनन। ओके, तो यहाँ से गोली मारेगा ये इस तरह से, लेकिन इस गोली का निशाना समझ में नहीं आ रहा है कहाँ भी जा रहा है, ये कहीं भी फेंक रहा है ये। लास्ट है एक सी इग्निस ब्रीथ। ओके, तो मैंने ये वाला जो फ्रूट इसको खिलाया था ये अब काम आ रहा है, मतलब इसको मैं यहाँ पे किसी को ऐसे लगा दूंगा तो ये उसके साथ ये पूरा भजिया बना देगा उसका, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है ये। चलो ये तो अच्छा हुआ, इसमें डिस्काउंट हो जाता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ये अपना घूमता रहेगा अभी। अभी मैं देख लेता हूँ कि जो हॉट स्प्रिंग है उसके लिए मुझे स्टोन की कमी है, तो स्टोन वहां पे तोड़ ही रहे हैं, स्टोन बन जाएगा। पाल फ्रूट की कमी है, अब मैं जा रहा हूँ गाइस पाल फ्रूट को, मतलब वो जो ब्लू वाला है पैगुलेट उसको मुझे मारना है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपने इस पाल को और मैं डायरेक्ट वहीं पे टेलीपोर्ट करूंगा। पहले मैं यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ पे खाली है, इसको मैं हिरन को लगा देता हूँ ताकि हिरन अपना यहाँ पे काम करते रहे। ओए गाइस, तो मुझे यहीं पे टेलीपोर्ट करना है इस वाले पॉइंट पे, मैं यहाँ जाता हूँ डायरेक्ट। पिछले एपिसोड में मुझे यहाँ पे एक उड़ने वाला पक्षी मिला था जो कि हाथी ने गलती से मार दिया था, अगर वो मुझे वापस मिलता है तो मैं उसको जरूर से टेम करूंगा, पर मुझे कहीं दिखा नहीं रहा। वैसे मेरे पास एरो 37 है, इतने में काम हो जाना चाहिए। इस बार मैं किसी और ऐसे पाल से मैं इसको लड़ाऊंगा ताकि वो ऐसे मेलपाका चला दूंगा तो थोड़ा कम डैमेज पड़ेगा, हाथी बहुत पावरफुल था। यहाँ पे मैं खोजता हूँ ब्लू वाले को, ब्लू वाला मुझे मिले तो फटाफट उसको मारे और मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। अब ये ब्लू वाला पैंगुलेट इसको खोजने में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि कभी मिलता भी नहीं है जल्दी, और इस बार देखे ना मेलपाका भी कितने सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। वैसे वो 11 लेवल का है, मेरा 9 लेवल का ही है, पता नहीं कैसे लेवल कम हो जा रहा है।
जा रहा है, क्योंकि मैंने 10 लेवल का उसको टेम किया था। पिछले एपिसोड में मुझे फायर पास की बहुत कमी थी, उसको मैं खूब खोज रहा था तो मुझे मिल नहीं रहा था। अब ये बहुत आसानी से मिल रहा है। अब इस बार पैंगुलेट की कमी है तो पैंगुलेट नहीं मिल रहा है। पता नहीं पैंगुलेट को मैं कहां खोजूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे वो देखिए गाइस, मेरा दूर से वो घर कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि यहां पे कुछ नया चीज बना है। पैंगुलेट तो मुझे यहां नहीं मिलने वाला गाइस, मुझे लगता है कि नीचे ही जाना पड़ेगा समुद्र के किनारे, तभी वो मुझे मिलेंगे। यहां पे तो ये बाल्स और चिकी पी का सब एरिया है। ये आधे घंटे से गाइस मैं यहां पे खोज रहा हूं, एक भी पैंगुलेट मुझे यहां पे मिल ही नहीं रहा। पता नहीं सब कहां चले गए, एक भी पैंगुलेट मुझे अभी तक मिला नहीं। अभी जब मुझे पैंगुलेट की बहुत जरूरी है तभी वो एक भी दिख रहा है। 8 पैंगुलेट मुझे चाहिए टोटल 8, और यहां पे मुझे एक भी नहीं मिला अभी तक। पता नहीं अब सब डिस्पॉन हो गए हैं, फिर क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पानी के आसपास में देखता हूं, एक काम करता हूं, जो मैंने लास्ट वाले एपिसोड में नए जगह को मैंने ट्रेवलिंग किया था वहां पे मैं चलता हूं, शायद वहां पे मुझे मिल जाए कुछ। मैं इसी रास्ते से आया था, ये कुछ नया रास्ता है पतली सी गली टाइप का, एक बार मैं यहां देख लेता हूं क्योंकि समुद्र किनारे है, यहां पे शायद मिल जाना चाहिए। एक दिखा मुझे वहां पे गाइस, आई थिंक 2 दिख गए। चलो वहां से मैं 2 को ले लेता हूं, और इससे पहले ये डर के भागे, इससे मुझे हमला करना पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएंगे तो बहुत दूर, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। जाओ देखते हैं इसका पावरफुल कितना है। एक यहाँ पे मुझे एक मिल गया गाइस, ये एक बहुत ही अलग तरह का लग रहा है, साचिंग आ गए, पता नहीं इसका क्या लेवल है, मुझे नहीं पता। चलो एक को इसने मार दिया है और दूसरा वाला मुझे मारो। वैसे इस लोग का पावर ही बहुत जबरदस्त है। एक मुझे पालफूड मिल गया, एक आइस ऑर्गन मिल गया, और ये पूरा इसको भूज दिया, नाइस। चलो 2 को तो यहाँ से हो गए। यहाँ पे ये क्या, कोई पाल्स है, किस तरह का ये है? टेफ्लैंड, इसको मैं ट्राई करता हूँ टेम करने का। 208 का मैंने डैमेज दिया। आ जाओ भाई तुम इधर आ जाओ। और ये क्या, इतना दूर से फेंका, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, इसको मुझे टेम करना चाहिए। 161 का डैमेज तो दे रहा हूँ। ओके अब मुझे यहाँ फेंकना होगा, इस पर मैं फेंक देता हूँ इस तरह से। एटिंग कैप्चरिंग रेट बहुत अच्छा है तो हो जाना चाहिए, कुछ अलग टाइप का टी फैंट। ओके तो इससे भी मुझे मिल रहा है, नाइस, तो मुझे यहाँ से मिल जाना चाहिए। लोग को मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर निकलेंगे तब ये लोग मुझे बहुत सारा फ्लूट देंगे। एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे मेलपाका को निकाल देता हूँ। जाओ और उसको मारो तुम, वहाँ बहुत सारे हैं, 2-3 और हैं। ओके तो ये पानी के अंदर इसको घुस दिया, और मुझे मिलेगा कि नहीं यहाँ पे? ए हट जा, हाँ मुझे मिल गया, पानी के अंदर ही मेरा मेलपाका बहुत अच्छे से डाइव कर रहा है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे मुझे और बहुत सारे वो दिख रहे हैं। एक को यहाँ पे मैं मार देता हूँ इस तरह से। ये पता नहीं क्या चीज है, इसको मैं देखा तो नहीं अभी तक। अभी जरूरत मुझे पाल फ्लोर की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा इन लोग को। ओके तो एक का डैमेज आ गया, एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी मैं मार देता हूँ। पर उससे पहले ऊपर एक चेस्ट दिखा, मैं इस चेस्ट को ले लेता हूँ। इस चेस्ट में आखिर क्या है, डबल चेस्ट दिखा मुझे यहाँ पे। ओके तो गोल्डन क्वाइन मिले, और एक वहां पे भी चेस्ट मुझे दिखा। ऐसा तो यहाँ पे कुछ और है नहीं सामान, इसके ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा, काफी ऊंचा है ये। मैं ऊपर जाता हूँ तो क्या वो मेरा जो ये मेलपाका है ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं? ओके तो ये उसको हमला कर दिया उस पे। गोल्डन क्वाइल एरो, एक लो ग्रेड मेडिकल सप्लाईज मिली, चलो कोई ना। एक को तो इसने मार दिया, और इसको ही मारो यार, इसे बहुत पावरफुल लग रहे हैं, जो कि बहुत क्यूट भी लग रहे हैं। ओके तो एक ओके मार दिया, ठीक है नाइस। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने टोटल हो गए। मेरे पास 8 हो गए, 2 और मुझे चाहिए, 2 ऑलरेडी यहाँ पे घूम रहे हैं, तो एक को मैं मारूंगा तो वो आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ये एक टैफन टाइप के, आ जाओ, उतना दूर क्या जा रहे हो मारने के लिए। चलो एक को तो उसने मार दिया, दूसरा वाला ये बगल में ही है। ओके तो एक इससे मुझे मिल गया, और एक इससे मुझे मिल गया। मेरे पास 10 पालफ्रूट हो गया, इससे ज्यादा मुझे पालफ्रूट की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ से जाए चलता हूँ अपने घर की तरफ, फिर देखता हूँ कि वो हॉट स्प्रिंग कैसे बनता है। वैसे ये नया लोकेशन गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे कुछ नए टाइप के पोकेमॉन मिल सकते हैं मुझे। एक ये क्या है, ये तो मैं अभी को देख रहा हूँ, ये कुछ नया चीज लग रहा है मेरे लिए। अरे ये स्किप कर रहा है, 250 का डैमेज दिया, ये कुछ अलग टाइप का है, नहीं इसको मारूंगा नहीं। एक काम करता हूँ इसको टेमिंग करता हूँ, 68% हो गया है। इसको मैं देखता हूँ घर ले जाके कि क्या चीज है। यस गाइस टेम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नाइस। कुछ अलग टाइप का मुझे मिला, इससे भी मुझे पालफ्रूट मिला। ये बहुत ही अलग सा माहौल है, यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हैं, और यहाँ पे एक ग्रीन वाला मुझे मिल गया, लिंक फिंकी पता नहीं क्या है ये। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ खास है तो ठीक है, नहीं वापस चलता हूँ मैं घर की तरफ। वैसे यहाँ पे गाइस अपना एक बेस बनाने का ना सबसे बेस्ट लोकेशन है, चारों तरफ से कवर है, कोई भी यहाँ पे अटैक करने वाला नहीं है, सिर्फ सामने से अटैक करेंगे। और यहाँ पे एक डिफेंस बना दूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही सेफ जगह हो जाएगा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है ये। ओके तो ये बोन्स के यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मार्कर मैं लगा देता हूँ होम का, तो यहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मुझे और नया टाइप का पोकेमॉन मुझे मिला गाइस, इसको मैं टेम कर लेता हूँ, देखता हूँ ये क्या है, इसको मैं घर पे देखूंगा मैं। और इसकी इसने अंदर जाके भी मुझे मारा, नहीं वो पीछे वाला मारा मुझे। ओके तो ये भी मेरा टेम हो गया, विक्स की नाम है इसका, कुछ अलग टाइप का है, इसको मैं देखूंगा क्या है ये। वैसे जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे ना गाइस मुझे
नए नए पोकेमॉन्स मिलते जाएंगे। तो अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ, अभी मैं जाता हूँ अपना वो बनाने के लिए। एक वहां पे कुछ नए टाइप का पोकेमॉन दिख रहा है जो कि वो उड़ रहा है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, वो लेकिन काफी दूर है, उसको मैं बाद में टेम करूंगा। अभी मैं जो जो मुझे पकवान मिले उसको मैं देखता हूँ मैं। वैसे वो दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ गया है। यहाँ पे ये कैलरी नाम का है, दो पोकेमॉन है, इसको मैं एक टेम कर ही लेता हूँ। मेरे पास है कि नहीं पाल बॉक्स, पालिस्फीयर है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि हिरन को निकाल लेता हूँ और इस वाले को मैं हमला कर देता हूँ। ओके तो ये ओके इसने तो भूज दिया, और इसको पहले मार देता हूँ, नहीं तो ये मेरे इसको मार देगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ओ शिट, ये तो मेरा आर्मर तोड़ दिया। ओके तो ये टेम हो जाए, बस थोड़ा सा और बाकी है। पाल फूड इससे मुझे मिला 94% है, नाइस। ये मेरा टेम हो गया, गजब का टेम हो गया। और मुझे एक स्टैट पॉइंट भी मुझे मिल गया। स्टैट पॉइंट में अपना अटैक ही बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अटैक मेरा थोड़ा कम लग रहा है, तो अटैक मेरा बढ़ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जब आ रहा था तो अंधेरा हो गया था बहुत ज्यादा, तो मुझे कुछ दिख नहीं था, इसलिए मैं आके सो गया। मुझे अभी भूख लगी है, फटाक से मैं खाना खा लेता हूँ जल्दी से। मैंने अपना पेट फुल कर दिया, ये मेलपाका का भी पेट फुल कर दिया, क्योंकि बहुत इससे मेहनत की थी कल। तो यहाँ से मैं कुछ देख लेता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला है ये चीज, ये चार हो गए ना। यस, कैप्चरिंग पावर में यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, अब मेरा दो हो गया, तो और मैं अच्छे से मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने इस मेलपाका का कुछ बढ़ा देता हूँ, जैसे इसका अटैक बढ़ा देता हूँ। अटैक ये सब नहीं बढ़ रहा है, अच्छा मेरे पास जीरो है। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने लिए वो हॉट स्प्रिंग, जो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सामान हो चुके होंगे। यहाँ से स्टोन, यस स्टोन है मेरे पास बहुत सारा, स्टोन का मैंने कलेक्शन कर लिया। हॉट स्प्रिंग को मैं बनाऊँ कहाँ पे गाइस? एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये वाला लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो इन लोग खुले में अपना यहाँ पे इंजॉय भी करेंगे, और लोकेशन का भी, और मस्त मजा भी लेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के मैं रेडी छोड़ देता हूँ। मेरे एक पोकेमॉन आगे बनाने के लिए दो और है, पता नहीं कहाँ पे ये दो को दिखा रहा है। कैटिवा भी है, वो सब दिखा नहीं रहे, एक ही बना रहा है। अच्छा कैटिवा दूर से ही बना रहे हैं सब, इतने दूर से सब पा गए, वाह। ओके तो मेरा ये हॉट स्प्रिंग बनके रेडी हो गया, पर इसमें है क्या, क्या काम का है ये? बस पानी है, गरम गरम पानी इसमें निकल रहा है, मुझे लगता है कि इन लोग के लिए काम के ही होंगे कुछ। चलो तो ये अपना करते रहेंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से पोकेमॉन को टेम किया है। तो एक ये रहा फक, जो कि नाम है इसका फॉक करके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं याद लगाता हूँ। एक विक्सकी नाम का है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको लगा देता हूँ। और एक ये हाथी टाइप का है, छोटा हाथी है, और अभी के लिए मैं डियर को हटा के मैं इसको लगा देता हूँ। एक क्रिम्स आई थिंक पहले से लगा हुआ है, ये दोनों को मैं यहाँ रख देता हूँ। और एक ये मुझे मिला है कैश सैलरी, इसको भी हटा के मैं यहाँ लगा देता हूँ। अभी देखता हूँ कि किस काम के हैं सब। पहला कहाँ गया? ओके तो ये जो वाटरिंग का काम करेगा, ठीक है, इसका पानी का लेवल बहुत तेज है, इसलिए पानी को इसमें डाल रहा है, तो मेरा प्लैटिनम फ्रैगमेंट तेजी से बन रहा है। ठीक है, फॉक का नाम तो ये हो गया, दूसरा ओह तो सैलरी का नाम भी पानी का भी काम है। चलो ये भी पानी कर रहा है, और ये भी पानी कर रहा है, हाथी वाला भी, बट तीनों मेरे पानी वाले ही मिल गए। चलो कोई ना, इन लोग के फाइटिंग लेवल में देखूंगा। एक ये विस्की, इसका देखिए विस्की काम भी यही पे है, ये वूल निकालने का, बट सब मुझे वही मिल रहे हैं जो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन सब क्यूट हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलो इन लोग को अपना काम करते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, तो लाइक ना भूलना, सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज सपोर्ट एंड शेयर करना, कीप स्माइलिंग, थैंक यू। अभी नेक्स्ट वाले एपिसोड में लेवल मेरा अप हो गया है 10 का, तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। प्रिमिटिव फर्नेस मुझे बनाना है। एक ये 3-शॉट बो है, इसको मुझे बनाना है, जो कि बहुत पावरफुल है। एक ये कुछ फेदर हेयरबैंड टाइप का है, इसको मैं बनाऊंगा, क्या काम का मुझे नहीं पता। एक बियर ट्रैप है, एक नेल है, तो ये सब मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में देखूंगा।